आज आप सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ पर इस तरह पेन की डिजाइन कैसे करते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोरल ड्रॉ ओपन कर रखा है। अभी हम सबसे पहले पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल दबा के इस तरह से बना लेना है। इसके बाद पॉइंट और साइड वाले ऑप्शन में यहाँ से एक पॉइंट बढ़ा देना है। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है और इसको यहाँ नोड से पकड़ना है, फिर नीचे यहाँ तक ड्रैग करके लाना है। उसके बाद राइट क्लिक करके छोड़ देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद ऊपर वाले शेप को सिलेक्ट करना है और फिर से इसको नीचे ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद कंट्रोल ए को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करके ग्रुप में कर लेना है। इसके बाद टूल बॉक्स में स्मार्ट फिल टूल लेना है। उसके बाद इसमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कलर फिल कर देना है। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन सभी को डिलीट कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट को दबा के इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ऊपर वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है, फिर इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करना है। इसके बाद आप किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं, जैसे देखिए। इसके बाद शिफ्ट को दबा के नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करके कलर को रिपीट कर देना है। इसके बाद सभी को ग्रुप में करके आउटलाइन को नन कर देना है। इसके बाद टूल बॉक्स में फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंट्रोल दबा के यहाँ नोड से एक वर्टिकल लाइन खींचना है। इतना सब करने के बाद अब एक सर्किल बनाएंगे, तो एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से छोटा सर्किल बना लेना है। इसके बाद पिक टूल लेना है। इसके बाद सर्किल को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके बाद सर्किल के सेंटर पॉइंट को पकड़कर यहाँ नोड पर लाकर सेट करके रख देना है। इसके बाद फिर से फ्री हैंड टूल लेना है। उसके बाद सर्किल के दोनों तरफ इस तरह से लाइन खींचना है। इसके बाद पिक टूल लेकर इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट दबा के इन दोनों लाइनों को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ से इन सबका सिलेक्शन करके कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप में कर देना है। ग्रुप में करने के बाद स्मार्ट फिल टूल लेना है। उसके बाद इन सभी ब्लैंक बॉक्सेस में बाय डिफ़ॉल्ट कलर फिल कर देना है। इसके बाद पिक टूल को लेकर इन सभी लाइनों को डिलीट कर देना है। इसके बाद इन सभी को फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर वेल्ड ऑप्शन मिलेगा, वेल्ड पर क्लिक कर देना है। इतना सब करने के बाद जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह से ड्रैग करना है, फिर कलर फिल्टर करना है। इसके बाद फिर से एलिप्स टूल सिलेक्ट करना है।
उसके बाद कंट्रोल दबा के एक सर्किल बना लेना है। अब इसमें ब्लैक कलर फिल करना है। उसके बाद जी को प्रेस करना है। इसके बाद ड्रैग करना है, फिर इसमें भी ब्लैक और रेड कलर अप्लाई करना है। इतना करने के बाद पिक टूल लेकर इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है, फिर राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद दोनों सर्किल को सेलेक्ट करके ग्रुप में कर लेना है। उसके बाद शिफ्ट दबा के नीचे से इसको छोटा कर देना है। इसके बाद इसको बॉक्स के सेंटर में ले जाकर रख देना है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद पिक टूल लेकर इस रेक्टेंगल के नोड को पकड़कर कंट्रोल दबा के नीचे तक ड्रैग करना है, फिर राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो इसकी एक कॉपी और बन गई। अब नीचे वाले रेक्टेंगल को अपने हिसाब से छोटा करना है। इतना करने के बाद फ्री हैंड टूल लेना है। उसके बाद कंट्रोल दबा के यहाँ नोड से एक लाइन ड्रा करना है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन साइड से ड्रा करना है। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा रखना है। इसके बाद ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। उसके बाद शेप टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एक नोड बनाना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर डबल क्लिक करके नोड बना लेना है, फिर इसको भी अंदर की तरफ कर देना है। इसके बाद फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेप टूल को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। इसके बाद बीच में यहाँ पर नोड बनाना है, फिर आपको इधर साइड में डबल क्लिक करके इसको ब्रेक कर देना है। इसके बाद इसको अपने हिसाब से गोलाई में कर देना है। इसके बाद देखिए